आज शेयर करेंगे कि सिलवट्टे पर दाल को कैसे पीसा जाता है। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दाल को 5 से 6 घंटे सोक कर दिया था, जो फूल चुकी है, फूल कर डबल हो चुकी है, और इसको अच्छे से धुल लिया था। तो आज मेरी मम्मी दाल सिलवट्टे पर पीसेंगी, तो बड़े ही झटपट से दाल पिसकर तैयार होती है। तो आज भी मम्मी सिल पर दाल पीसकर मंगौड़े बनाती हैं। तो देखिए, सिल को सबसे पहले धुल लेना है अच्छे से। तो जो दाल धुलकर रेडी की है, तो उसको थोड़ी सी दाल इसमें रख लेंगे। तो दाल को रखने के बाद जो बटना है, उससे आराम से थोड़ी थोड़ी दाल लेते हुए पीसना है। तो बड़ा ही आसान है इसको पीसना सिलवट्टे पर। तो ऐसे ही देखिए मम्मी पीस रही हैं इसको। तो ज़रूर मम्मी के लिए एक लाइक कर देना, भर भर के लाइक देना आज। तो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी तरीके से देखिए मम्मी दाल को पीस रही हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब सिल पे दाल पीस रहे हैं, तो हमें एक साइड से थोड़ी सी दाल लेनी है, उसको पीस देनी है, फिर दूसरी साइड से दाल को ले लेना है और पीस देना है, जिससे कि मेरी जो दाल है नीचे गिरती नहीं और पिसती रहती है, और पिस के आगे खट्टी होती रहती है, और पीछे से अगर पीछे को जा रही है हाथ से, आप आगे को करके पीसते रहें, तो इसी तरीके से दाल पिस जाती है। तो बड़े ही आसानी से पिस जाती है। तो आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई है, घर घर मिक्सी है, तो उसमें दाल पीस लेते हैं, उसके बाद झटपट से मंगौड़े बना लेते हैं। लेकिन सिलबट्टे पर जो दाल पीसते हैं, उसके मंगौड़े बनाकर खाइए, बड़े ही टेस्टी बनते हैं, तो उसका तो स्वाद अलग ही है। तो देखिए दाल पीसकर रेडी है, तो लास्ट की ज़रा सी दाल बची है, तो उसको भी आराम से पीस लेंगे। तो जो सारी दाल जो पीसकर रेडी हो जाती है, तो एक बार पूरी दाल को पीस लेंगे, जिससे कि कहीं कहीं मोटी दाल बची हुई होती है, वो भी अच्छे से पीस जाती है। और ये जो दाल होती है, देखिए कितनी परफेक्ट दाल पीसती है, ना मोटी है और ना ही पतली। तो इस तरीके से इसके मंगौड़े जब बनते हैं, तो बड़े ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए बाद में इसको सारा दाल को इकट्ठा करते हुए एक दो बटने चला देते हैं, तो पूरी दाल देखिए पिसकर रेडी है। तो इसको अब निकाल लेंगे किसी बर्तन में। तो हाथों की सहायता से ही देखिए दाल को बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, और दाल को पीसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उतनी दाल जो है 3 बार में पीसी थी, तो आराम से पिस जाती है। तो सिल अगर छोटा है तो थोड़ी दाल रखिए और उसको पीसिए, बड़ा है तो ज़्यादा दाल रख जाती है। दूसरी बार की भी देखिए दाल इसी तरीके से पीस लेंगे। तो देखिए चारों तरफ बिल्कुल भी दाल नहीं फैलती है, इसको आराम से एक साइड से थोड़ी सी दाल लेते हुए पीस देंगे, दूसरी साइड से दाल लेते हुए पीस देंगे, और पीछे को अगर दाल जा रही है तो उसको हाथों की सहायता से आगे कर लेते हैं, तो उसको पीस देते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी से दाल पिस जाती है। तो सिलबट्टे पर भी पीसना बड़ा ही आसान है दाल को। तो इसके बाद ये भी दाल पिस चुकी है, तो लास्ट की दाल जो बची है उसको भी इसी तरीके से देखिए पीस लिया है। 2 बार दाल पिस चुकी है, 3री बार की दाल जो है पिस रही है। तो देखिए कितनी जल्दी सिलबट्टे पर दाल को पीसा जा सकता है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, तो दाल बिल्कुल चारों तरफ नहीं फैलती है और आराम से झटपट से पिस जाती है। तो ज़रूर एक बार पीस कर देखना, और उसके बाद उसके मंगौड़े बनाकर देखिए, बड़े ही टेस्टी बनते हैं। तो एक बार कमेंट कर ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ अब भी सिलबट्टे पर दाल पीस कर मंगौड़े बनाए जाते हैं। तो मम्मी मेरी अब भी सिलबट्टे पर दाल को पीस लेती हैं। तो देखिए दाल को, सारा ही दाल जो पिस जाएगी, उसके बाद बढ़िया मंगौड़े बनाकर खाएंगे। तो आप ज़रूर, कैसा लगा है आपको सिलबट्टे पर दाल को पीसना, तो ज़रूर एक लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।